नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बच्चे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, बी बुर्ज खलीफा, सी जामा मस्जिद, डी ताजमहल। आपका सही जवाब होगा बी बुर्ज खलीफा, आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, भारत किस देश से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका से, बी ईरान से, सी ब्राजील से, डी रूस से। आपका सही जवाब होगा डी रूस से, आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, BMW किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए चीन देश की, बी भारत देश की, सी जर्मनी देश की, डी अमेरिका देश की। आपका सही जवाब होगा सी जर्मनी देश की, आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी हाथी, सी हिरण, डी घोड़ा। आपका सही जवाब होगा बी हाथी, आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा सी महाराष्ट्र, आपका उत्तर होगा। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए दूध उत्पादन से, बी चावल उत्पादन से, सी गेहूं उत्पादन से, डी गन्ना उत्पादन से। आपका सही जवाब होगा ए दूध उत्पादन से, आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का ससुराल किस प्रदेश में है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी पश्चिम बंगाल में, डी मुंबई में। आपका सही जवाब होगा सी पश्चिम बंगाल में, आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर में, बी मेघालय में, सी उड़ीसा में, डी लद्दाख में। आपका सही जवाब होगा बी मेघालय में, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 9, गाय का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए काला रंग, बी लाल रंग, सी हरा रंग, डी पीला रंग। आपका सही जवाब होगा सी हरा रंग, आपका उत्तर होगा। आपका दसवां सवाल है, किस देश में आज तक कभी भूकंप नहीं आया है?
आपका ऑप्शन है ए इटली देश में, बी चीन देश में, सी नेपाल देश में, डी नॉर्वे देश में। आपका सही जवाब होगा डी नॉर्वे देश में। आपका उत्तर होगा आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11। कौन सा जीव है जो अपने जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से स्वाद लेता है? आपका ऑप्शन है ए मधुमक्खी, बी मेंढक, सी तितली, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी तितली। आपका उत्तर होगा आपका अगला सवाल है 12। महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए कमला देवी, बी अरुणा गांधी, सी पुतली गांधी, डी कस्तूरबा गांधी। आपका सही जवाब होगा डी कस्तूरबा गांधी। आपका उत्तर होगा आपका अगला सवाल है 13। वह कौन सा जानवर है जो भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है? आपका ऑप्शन है ए चूहा, बी सांप, सी बिल्ली, डी कंगारू। आपका सही जवाब होगा ए चूहा। आपका उत्तर होगा आपका अगला सवाल है 14। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? आपका ऑप्शन है ए बीजिंग, बी लंदन, सी भारत, डी पेरिस। आपका सही जवाब होगा डी पेरिस। आपका उत्तर होगा आपका अगला सवाल है 15। चेतक घोड़ा किससे संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए झांसी की रानी से, बी राणा प्रताप से, सी अकबर से, डी किसी से नहीं। आपका सही जवाब होगा बी राणा प्रताप से। आपका उत्तर होगा आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? आपका ऑप्शन है ए ग्वाटेमाला देश, बी भारत देश, सी नॉर्वे देश, डी चीन देश। आपका सही जवाब होगा हे ग्वाटेमाला देश। आपका उत्तर होगा आपका अगला सवाल है 17। सबसे अधिक गुस्सा किस जानवर को आता है? आपका ऑप्शन है हे बाघ को, बी हाथी को, सी घोड़ा को, डी जंगली भेड़िया को। आपका सही जवाब होगा डी जंगली भेड़िया को। आपका उत्तर होगा आपका अगला सवाल है 18। राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखे से धन जमा करना, डी दूसरों से सहानुभूति रखना। आपका सही जवाब होगा सी धोखे से धन जमा करना। आपका उत्तर होगा आपका अगला सवाल है 19। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी में, बी गोदावरी नदी में, सी गंगा नदी में, डी कृष्णा नदी में। आपका सही जवाब होगा डी कृष्णा नदी में।
आपका उत्तर होगा। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, बैशाखी का त्योहार किस देश के लोग मनाते हैं? आपका ऑप्शन है ए हिंदू धर्म के लोग, बी सिख धर्म के लोग, सी मुस्लिम धर्म के लोग, डी ईसाई धर्म के लोग। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।